वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल मानस। दोस्तों आज हम लोग जो जिस टॉपिक के हम लोग वीडियो बनाएंगे वो एसीबी का कंट्रोलरिंग। हम लोग देखेंगे स्नाइडर का एक एसीबी का कंट्रोलरिंग कैसे करते हैं, ये हम लोग जानना जरूरी। कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसीबी का कंट्रोलरिंग इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, एसीबी के अंदर सारा कुछ जानेंगे। कंट्रोलरिंग के लिए हम लोग क्या क्या जरूरत है वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोगों को क्या लगेगा यहाँ पे, एक टू पोल एमसीबी, ठीक। और इसके लिए हम लोग क्या लगेगा, एक में 110 वोल्ट कंट्रोल लेंगे, 110 वोल्ट का एक एसी सप्लाई, एक एसी सप्लाई लगेगा। तीसरा हम लोगों को क्या है, एक सिलेक्टर स्विच, क्योंकि हम लोग लोकल रिमोट पैनल तीनों यूज करेंगे, ठीक। चार हम लोगों का एक टीएनसी स्विच लगेगा। टीएनसी स्विच आप लोग देखेंगे कि मैं स्क्रीन में दे दूंगा टीएनसी स्विच का पिक्चर। तो टीएनसी इसका फुल फॉर्म है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, एक टीएनसी स्विच लगेगा। इसके अलावा जो एसीबी का पार्ट है, एसीबी के लिए और क्या लगेगा, एक है क्लोजिंग कॉइल, दो है ट्रिपिंग कॉइल, क्लोज करने के लिए क्लोजिंग कॉइल लगेगा, ट्रिपिंग कॉइल लगेगा, एसीबी का इनबिल्ट है। तीन है, एक है स्प्रिंग चार्ज मोटर है, स्प्रिंग चार्ज मोटर, ये तीनों हम लोगों का रहेगा। इसका जो हम लोग डिनोट करते हैं एक्सेप्ट देखें, और ये MX1 और इस तीन चार मोटर, इसका सिंबल नेचुरली M रहता है। और एक क्या है, अंडर वोल्टेज कॉइल। अगर एसीबी की इनकमिंग सप्लाई चला जाएगा तो अंडर वोल्टेज में हमारा ब्रेकर बंद हो जाएगा। इसका भी हम लोग दिखाएंगे कि ब्रेकर कैसे कैसे ठीक होता है, पूरा हम लोग कंट्रोलिंग शुरू करेंगे तो अंडर वोल्टेज कॉइल भी इसमें दिखाएंगे हम लोग। चलिए पूरा कंट्रोलिंग हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग 110 वोल्ट फेज एक एमसीबी का सिंगल पोल है यहाँ से उठाएंगे। उठाने के बाद हम लोग जो सिलेक्टर स्विच यहाँ रहेगा, सिलेक्टर स्विच थ्री वे बोला, एक दो तीन, ये हमारा पैनल मोड है, ये लोकल मोड है, ये रिमोट है। यहाँ पे जो हमारा पैनल मोड है, पैनल मोड हम लोगों का क्या रहेगा, पीएनसी स्विच, ये है पीएनसी का हमारा सिंबल है, ये पीएनसी स्विच, ये पीएनसी है। और यहाँ पे हम लोग एनो पुश बटन यूज करेंगे, और ये हमारा डीओ रहेगा रिमोट का। तो इसके बाद हम लोगों को क्या जाएगा, सीधा ये जो हमारे ट्रिपिंग का एनसी लाएंगे, आ गया। उसके बाद क्या रहेगा, ये ट्रिप एनसी। इसके बाद हम लोगों का रहेगा एंटी पंपिंग रिले का एनसी। पहले ड्रॉ कर लेते, उसके बाद पूरा समझाएंगे कैसे क्या होता है। इसके बाद ब्रेकर का जो इनबिल्ट ब्रेकर का खुद का जो एनसी है वो रहेगा,
के बाद हम लोग रहेगा क्लोजिंग पर एक्सेल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एक और बाकी है एनसीबी का, ये भी हम दे रहे हैं न्यूट्रल। ये फेज, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। 110 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट एसी। इसके बाद हम लोग को क्या रहेगा, ये है ब्रेकर का उमेर OF4। अब लोग देखेंगे ब्रेकर के मैनुअल देखेंगे स्नाइडर का, स्नाइडर का है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ब्रेकर। तो ये आपका ओड रहेगा OF4। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, जो ब्रेकर का इनो रहेगा, ब्रेकर का इनविल का जो इनो, ऐसा जो एरो देखे जो सिंबल दे रहे हैं, ये ब्रेकर का अंदर का कांटेक्ट है। इसके बाद ये सीधा जाएगा ये एंटी पंपिंग का जो कॉन्टेक्टर है AP, एंटी पंपिंग। ये एंटी पंपिंग रिले क्या है, इसका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग बता देंगे एंटी पंपिंग का काम क्या है। और ये जो रिले है इसका हम दे देते K3 इसका कोड। ये कॉन्टेक्टर है और इसको होल्डिंग देने के लिए यहाँ पे हम लोगों का इसका ये यूज करेंगे, ये है K3 का एनो। ये आपका हो गया क्लोजिंग का सर्किट। क्लोजिंग पहले हम लोग को क्या रहेगा, थ्री यहाँ पे जैसे मैं ए लिख दिया, ये एक थ्री वे सिलेक्टर स्विच है, ये पैनल मोड है, ये लोकल मोड है, ये रिमोट है। TNC के थ्रू हम लोग ये जो बना रहे हम लोग क्लोजिंग सर्किट, क्लोजिंग सर्किट। ये क्लोजिंग क्या है देख लीजिए क्या होगा, यहाँ से सीधा हमारा जैसे मैं लोकल पैनल मोड सेट कर देंगे तो TNC में सप्लाई आएगा। TNC में क्लोजिंग की तरफ घुमाएंगे तो सप्लाई यहाँ से सीधा पल तक आ जाएगा। जैसे हम लोग TNC छोड़ देंगे वापस वो न्यूट्रल पोजीशन में चला जाएगा। TNC का कैसा है, इसका भी सिस्टम ऐसा है, TNC क्लोज की तरफ घुमाएंगे, उसका स्प्रिंग मैकेनिज्म है स्विच के अंदर, वो क्या जैसे छोड़ देंगे फिर न्यूट्रल में वापस चला जाएगा। और ये जो न्यूट्रल से क्लोज इसके बीच में एनो है और न्यूट्रल से ट्रिप इसके बीच में भी एनो है। नॉर्मली यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा जब तक हम लोग स्विच नहीं घुमाएंगे, तो स्विच क्लोज की तरफ घुमाएंगे तो सप्लाई सारा NC है। देखिए ट्रिप का NC है, ये जो ट्रिप का जो कॉन्टेनर हम यूज करेंगे K2 का NC है ये, और ये एंटी पंपिंग NC बोला ये एक K3 का एक इसका NC है, इधर सीरीज में है सारा। अरे ब्रेकर का अंदर का OF4 इसका NC है और उसके बाद कॉयल है, क्लोजिंग कॉयल है। और ये क्या है, मैंने OF3 यूज कर लिया, ये एनो कॉन्टेक्ट। इसके बाद क्या होगा, सप्लाई यहाँ से यहाँ तक कॉयल में आ जाएगा, हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए TNC स्विच खराब हो गया, ये क्या होगा, NC को क्या रह जाएगा, तो ये सीधा यहाँ तक आना आते रहेगा। तो सप्लाई अगर कंटिन्यूस क्लोजिंग कॉइल में रहेगा तो क्लोजिंग कॉइल को डैमेज कर देगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पैरालल में ही कॉन्टेक्टर को हम लोग पिकअप कराएंगे। ये कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा तो क्या होगा, यह सप्लाई आ रहा है पैरालल में, जैसे ये ब्रेकर क्लोज हो जाएगा ये NC हो जाएगा, तो ये इसमें पावर आ जाएगा, तो ये पिकअप हो जाएगा और इसका होल्डिंग हम लोग K3 यहाँ पे दे दिए। तो क्या होगा, तो अब ये NO हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा। ये जो हम लोग एंटी पंपिंग रिले जो यूज करते हैं क्लोजिंग कॉइल का प्रोटेक्शन के हिसाब से हम लोग इसका यूज करते हैं। ये आप देख ले क्लोजिंग सर्किट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपिंग सर्किट है, ट्रिपिंग। ये ट्रिप का हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे, इधर लेंगे TNC सेम, ये लोकल, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सेम सिलेक्टर स्विच है, एक ही सिलेक्टर स्विच है। ये सिलेक्टर स्विच है 2-pole 3-way सिलेक्टर स्विच, इसका क्या कोड, यह 1, ये A1, A2, A3 और यह क्या रहेगा 2, यहाँ पे 2 ये B1, B2, B3 और ये हमारा TNC है।
यह क्या है हमारा ट्रिप सर्किट, ये ट्रिप सर्किट है। तो ट्रिप सर्किट हम जो करेंगे इसके बाद हमारा देखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे साइड में तो और सर्किट ड्रॉ करेंगे। यह भी जो हम लोग देख रहे थे इससे क्या क्लोजिंग हो गया ब्रेकर, इसके स्टेटस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक तो ब्रेकर का एनो लेके एक कॉन्टेक्टर को हम लोग पिकअप कराएंगे। देख ले यह है हमारा K1, ये K1 किसके लिए है क्लोजिंग कॉन्टेक्टर। और ये जो ब्रेकर है ब्रेकर का सॉरी ये जो एनो है ब्रेकर का कॉन्टेक्ट है, ये मैं ले लिया OF2, ये OF2 ले लिया। तो एक बार इमेजिन कीजिए जब ब्रेकर हमारा क्लोज रहेगा तभी ट्रिप होगा, अगर क्लोज नहीं रहेगा तो ट्रिप कैसे होगा, तो क्लोज रहेगा तब ट्रिप होगा। इसे हम लोग क्या करेंगे एक इंटरलॉक या फिर हम लोग ये कॉन्टेक्टर का एनो लेंगे, K1 का एनो लेके हम लोग कॉइल को दे देंगे सप्लाई कॉइल। ये हमारा क्या है MX1, ये ट्रिप कॉइल, ये जो एक्सेप दिखाया ये हमारा क्लोजिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल। देख लीजिए जब ब्रेकर हमारा क्लोज है K1 हमेशा पिकअप रहेगा, जब ब्रेकर क्लोज कंडीशन में पिकअप रहेगा तो ये क्या एनो क्या रहेगा NC रहेगा, तो क्लोज होगा तब ट्रिप होगा। तो हमें ट्रिप की तरफ घुमाएंगे इसलिए हमारा जो TNC को तो सीधा सप्लाई आएगा आके क्लोजिंग ट्रिपिंग कॉइल में और चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और इस तरह क्लोजिंग के साथ में क्लोजिंग कॉन्टेक्टर दे दिया। और ट्रिप देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिप का जो ब्रेकर का और जो इंटरनल कॉन्टेक्ट है ये यहाँ पे हम लोग और कॉन्टेक्टर पिकअप करेंगे, ये इस पर SDE स्नाइडर इलेक्ट्रिकल कंपनी में ये ट्रिप का जो कॉन्टेक्टर है ये SDE के डिनोट करता है। इसका हम क्या करेंगे और एक कॉन्टेक्टर को पिकअप करेंगे, ये है K2, एक है ट्रिप का कॉन्टेक्टर, ट्रिप कॉन्टेक्टर। तो हो गया देखिए एक K2 जब हमारा जब ब्रेकअप ट्रिप नहीं रहेगा मैं इसका K2 का NC इधर लिया, देखिए तो मैं ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में है ऑफ कंडीशन में है नॉट ट्रिप, तो NC है एंटी पंपिंग का NC, मैं पहले ही बोला एंटी पंपिंग NC क्यों लिया और OF4 ब्रेकर का अंदर का NC, ठीक है। तो ब्रेकर क्लोज हो जाएगा जब ट्रिप कराना है, ट्रिप का सर्किट भी सेम है। आप लोग एंटी पंपिंग रिले तो देखिए, अगर एंटी पंपिंग रिले समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं एंटी पंपिंग रिले का स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा ट्रिप, इसके बाद आप लोगों को क्या लेना है इसके बाद मैं दिखाऊंगा जो स्प्रिंग चार्ज मोटर के लिए सप्लाई क्या रहता है। स्प्रिंग चार्ज मोटर कुछ नहीं है, यहाँ पे फेज उठाएगा और ब्रेकर का जो NC एक लिमिट स्विच रहेगा सपोज S1 से देख के यहाँ पे जो मोटर है मोटर में सप्लाई चलाएगा, ये मोटर ब्रेकर जैसे क्लोज होता है क्या होता है डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद फिर स्प्रिंग चार्ज होता है। तो ये क्या शुरू हुआ स्प्रिंग चार्ज आया मोटर में सप्लाई, मोटर जैसे स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा ये S1 NC जो है ये NO हो जाएगा, तो मोटर का सप्लाई काट हो जाएगा, तो स्प्रिंग चार्ज हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे और एक क्या है कॉयल है हमारा जो अंडर वोल्टेज कॉयल है, अंडर वोल्टेज कॉयल को क्या करेंगे अंडर वोल्टेज कॉयल को हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं, डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। ये अंडर वोल्टेज कॉयल है हमारा, इसको MN U/V अंडर वोल्टेज। इससे क्या काम है मान लीजिए ब्रेकर का इनकमिंग सप्लाई चला गया तो क्या होगा ब्रेकर स्टॉप होना चाहिए ना, तुरंत आ जाएगा तो हम लोग को कुछ हजार्ड आएगा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ब्रेकर को अंडर वोल्टेज ट्रिप कराना है, जैसे सप्लाई चला जाएगा इसका ये आप लोग अंडर वोल्टेज कॉइल देखेंगे इससे नॉब रहता है, ये नॉब जैसा वो क्या स्टॉप स्विच को दबा के रखेगा तो क्लोज नहीं होगा, सप्लाई आएगा फिर वो उठ जाएगा और उठ जाएगा तो हमारा हेल्दी हो जाएगा। इसके बाद क्या इसका हम लोगों को ऑन ऑफ और ट्रिप का इंडिकेशन भी देखना है, क्या करेंगे ये जो क्लोजिंग के NC से लेंगे तो हम लोग क्या आएगा मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ, ये दो है एक NO है और एक NC है, ये एक है और ये जो ऑन रहेगा ये ऑन का
और ट्रिप का इंडिकेशन लेना है तो ट्रिप कॉन्ट्रैक्टर का जो हमारा ये है एनो है, एनो से हम ट्रिप का ले सकते हैं साइड में, ठीक यही है, इतना ही। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इसके अलावा और दूसरा कंपनी के एसीबी का ड्राइंग बनाना है तो वो भी कमेंट में लिखिए। थैंक यू।